लखनऊ के देशरोजनी नगर पुलिस ने बिजनौर से देर रात लुटेरे और ऑटो चालक समेत 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये बदमाश रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों के आसपास से सवारियों को बिठाकर सुनसान इलाके में ले जाकर उनसे लूटपाट किया करते थे। पुलिस ने बदमाशों के पास से ऑटो, तमंचा, चाकू और रुपए बरामद किए हैं। और जब ये जानकारी DCP मध्य सोमेन वर्मा को दी गई तो उन्होंने बताया कि गिरोह के लोग बहुत ही शातिर हैं। यह लोग चारबाग रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, आलमबाग और माकड़ नगर के बाहर ऑटो लगाते हैं, फिर उसके बाद सवारियों को बैठाकर चल देते हैं। यात्रियों को जिस रास्ते से जाना होता है वहां से ना ले जाकर एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं और उनके साथ लूटपाट करके भाग जाते हैं। बता दें कि SP के निर्देश में इंस्पेक्टर, उनकी टीम और क्राइम ब्रांच ने बदमाशों को पकड़ लिया है। यहाँ पे 7 ऐसे अपराधी पकड़े गए हैं जिनके टीम है, गिरोह है। ये अलग, इन जनरल ये अपने आप को कभी कोई ठेला चलाता है, कोई सब्जी बेचता है, इस टाइप का है, लेकिन वो उनका कवर है। एक्चुअली ये लोग लूट करते हैं। रिसेंटली इनका एक घटना ये लोग आलमबाग थाना क्षेत्र में किए थे, जहाँ पे ये लोग एक व्यक्ति को लूट लिए थे। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग है, इनका मोटस ऑपरेंडी यानी कि इस घटना को खारिज करने का तरीका, ये क्या करते हैं, 3 लोग ऑलरेडी ऑटो में बैठ के उस ऑटो को किसी स्टेशन प्लेटफॉर्म या बस स्टेशन के बाहर लगा देते हैं, ताकि बाहर से जो लोग इस जनपद में आए, लखनऊ में आए या कहीं से भी आए, वहाँ पे जो पैसेंजर शेयर्ड ऑटो ढूंढता है, उनको लगता है कि ये ऑटो ऑलरेडी भरा पड़ा है, इसी में बैठ जाते हैं, ये जल्दी छोड़ देगा। तो वो अपने बचत के लिए वो जो पीड़ित होता है वो इस ऑटो में बैठ जाता है, फिर ये ऑटो लेके ये लोग निकल पड़ते हैं। फिर कहीं पे किसी रास्ते में भीड़ बताते हुए ऑटो को मोड़ लेते हैं सुनसान जगह पे, फिर वहाँ पे जाके इस व्यक्ति को मारते पीटते हैं और इसके सारे सामान लूट लेते हैं। और मारते पीटते इतने बुरी तरीके से हैं कि इनको बोला जाता है कि पुलिस को ये बताना भी मत। तो एक तो बाहर का व्यक्ति है, उसका सामान चला गया, उसके बाद उसको अपराधियों से डरा, इतना डराया जाता है कि पुलिस के पास तक भी नहीं पहुँचता। लेकिन इस घटना पर बादी हिम्मत करके पुलिस के पास आया और अपना पूरा घटना बताया। उसके बाद टीम लगी, CCTV फुटेज देखते रहे, ट्रेस करते रहे, उसके बाद पूरे 7 के 7 लोगों को पकड़ लिया। वैसे समय पर पकड़ा जब ये 7 लोग मिलकर एक डकैती की योजना भी बना रहे थे। इनके पास से अवैध असलाह, कट्टा, छुरी, लोहे का रॉड, ये सब बरामद हुआ। इसके साथ साथ जिस व्यक्ति के साथ ये घटना हुई थी उसका मोबाइल, उसके पैसे, उनकी जो बैग था जो इन लोगों ने छीन लिया था, वो बैग तक बरामद हो गई है। तो ये जो अपराधी है ये अभी तक इसलिए पकड़े नहीं जा पा रहे थे क्योंकि बहुत अलग अलग जगह पर ये लोग करते हैं। ज़रूरी नहीं कि जहाँ एक बार करें दोबारा वहीं पर करें, किसी भी स्टेशन में, इनफैक्ट अलग अलग जनपद से भी है, कोई बाराबंकी से है तो कोई कानपुर से है तो कोई मऊ से है तो कुछ लोग लखनऊ से ही है, और ये लोग कभी उन्नाव में कार्य कर दे तो कभी कहीं और कर दे। लेकिन इस बार क्योंकि आलमबाग थाना क्षेत्र में किया गया था, हमें इसकी सूचना मिल गई, तो हमारी पूरी टीम इसमें लगी रही, जिसमें सरोजी नगर, कृष्णनगर और जो है आलमबाग की टीम मिली हुई थी, DCP सेंट्रल की सर्वेलेंस टीम भी लगी हुई थी। इसमें ACP कृष्णनगर जो है स्वतंत्र सिंह, ये लगातार इसको मॉनिटर कर रहे थे और इनके वजह से ये 7 के साथ हम पकड़ लिए। सर, अब तक कितनी घटनाओं को इन्होंने बोल तो रहे हैं कि 3-4 घटना इसके पहले भी कारित किए हैं। आपराधिक इतिहास भी हम इनका ढूंढवा रहे हैं और कहां कहां पे है, लेकिन जैसे मैं बताया इनका इतने यूनिक मॉडल ऑपरेंडी था कि लोग क्योंकि बाहर के होते हैं तो उस लोकल एरिया में तो कंप्लेन वगैरह नहीं करने जाते। उसके बाद उसके अलावा भी इनको मारपीट दिया जाता था, जो पीड़ित था वो अवॉइड करता था। ये बोल रहे हैं कि पिछले 6-7-8 महीने से इसी काम में लगे पड़े हैं। एक एक करके इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी अभी अपना कार्य क्षेत्र, अपना काम करने का तरीका, बड़े डकैती की योजना वो बनाना शुरू कर दिए थे। सर, क्या और लोग भी हैं इनके साथ? अभी तक की पूछताछ में 7 ही लोगों का पता चला है, इनको पकड़ भी लिया गया। इनफैक्ट ये जो अपराध में ऑटो इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ही साधारण सा लगता नहीं है कि कभी अपराध में इसका इस्तेमाल हो, ऑटो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। सर, एक सवाल है सर, इस तरीके की घटना आगे ना हो इसके लिए पुलिस की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी होगी ऑटो वालों? हाँ, इसमें ऑटो जो संचालक है, जो ये टेम्पो वगैरह संचालन करते हैं, उन सब से हम बात भी कर रहे हैं, सामने में मीटिंग भी रखेंगे, ताकि कोई अननोन अनआइडेंटिफाइड ऑटो जो सिस्टम के साथ रजिस्टर्ड ना हो वो आके वहाँ पर खड़े ना हो जाए और
सवारी ना ले पाए। जितने वहाँ पे ऑटो चालक हो सब वेरीफाइड रहे कि यही लोग है, इनका ये रूट है और यही लोग यहाँ पे रहेंगे। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।